मेकअप मैं इनके ऊपर आज मॉडल शिमरी मेकअप दूंगी, और बेस तो वही है कि इनको इनके स्किन भी अच्छी है, फेयर है, तो बेस इतनी हैवी देने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर लाइट बेस ही रखूंगी और आईज शिमरी होंगी। कदें कदें जल्दी में तैयार थी वही, कदें कदें वो वर्षों लगी तो सही। सब जी लिबास केतरो भी सुठो हो हाँ। भले ता अबायो भी केतरो मॉडर्न पायो, पर जेकरे ता के मेकअप कर न थो अचे ना वो सनियो शयो ता ने बेकार थी जो मतलब इने जो मतलब यो आए जने नकाब ले तो नका पो मन सुठो लगे बिल्कुल पर हाँ। आजकल शायद स्कार्फ भी जने ता पायो था तो उनते मेकअप सुठो हो जण खपे हाँ। खास करे वरी असा पहरे डी भी गाल के बेडी भी गाल के तो क्वार जो जो मेकअप हुंदो है सब का वधिक अहम हुंदो है। सो आज कुछ अड़े किस्म जो मेकअप ता के सिखाण वारा आयो। सो असन सगर मौजूद है तमाम बेहतरीन ब्यूटीशियन फरहीन आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरहीन कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया कि आज भी आपने खास टाइम दिया। इससे पहले हमने आपसे सीखा था कि रुखसती का मेकअप किस तरह किया जाता है, और आज आप क्या सिखाने वाली उस पर बात करेंगे। और सुंबल हमारे साथ मौजूद है, मॉडल, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सो तो फरहीन आज आप किस तरह का मेकअप करने वाली हैं? पहले रुखसती का मेकअप किया था ना जी, बिल्कुल। आज रुखसती के बाद वाला मेकअप हाँ, बताएं। आज रिसेप्शन है, वलीमा ब्राइड है जी, बिल्कुल। रिसेप्शन है, वलीमा ब्राइड है, और मेकअप मैं इनके ऊपर आज मॉडल शिमरी मेकअप दूंगी, और बेस तो वही है कि इनको इनके स्किन भी अच्छी है, फेयर है, तो बेस इतनी हैवी देने की जरूरत नहीं है, तो अगर लाइट बेस ही रखूंगी और आईज शिमरी। अच्छा, इनके चेहरे को तो कंसील करने की भी जरूरत नहीं है, कंसीलर हाँ या लगाएंगे? लेकिन फिर भी लगाना होता है हल्का फुल्का सा, ज्यादा है ना, क्योंकि हल्के हल्के से डार्क सर्कल बस कवर करना है, इतना ज्यादा नहीं। ओके, और ज्यादा इनको नीड नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आईज आप शिमरी बना रही हैं, बाकी आप पूरा मेट रखेंगी या उसमें भी थोड़ा शिमर का कुछ तड़का होगा? हल्का सा होगा, आज थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि लास्ट जो ब्राइड मेकअप किया था तो वो मैंने बिल्कुल मैट पे किया था, आज थोड़ा सा शिमर पे जाएंगे चले, ताकि कुछ चेंज हो ना वलीमा और ब्राइड। हाँ, चेंज होना चाहिए बिल्कुल। माशाल्लाह ये खुद इतनी खूबसूरत है, और मेकअप के बाद क्या लगेंगे ये इंतजार रहेगा मुझे। सो आप स्टार्ट कीजिए, फिर वक्तन फवक्तन आपसे हम कलाम होंगे, पूछते रहेंगे, कुछ हम आपसे सीखते रहेंगे, ताकि हम भी फिर अच्छा मुंह लेकर स्क्रीन पर आए। आप वैसे ही बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। अच्छा, माना शिमरी ये क्यों पाड़ा? थैंक यू। शिमरी मेकअप, शिमरी शिमरी मेकअप उन्हें छा थी तो माना अखियूं वधी खूबसूरत हो ना, अखियूं वधी खूबसूरत लगन दी। अक्सर आई शेड जेको हुंदा है असा घणो करे मेट यूज कंदा है जेमे शिमर न हुंदी है, पर कदी कदी वरी थोड़ो ग्लिटरी शेड भी तमाम सुठा लगंदा है। सो अज कुछ एड़ी किस्म जी। सही सही सही, ठीक है। टीशन से भी हम पूछना चाहेंगे कि भाई कहां पहुंचा आपका काम जी? फरहीन जी, अभी हम आईज पे हैं, आईज पे भी हमने लाइनर एप्लीकेशन की है, और अभी थोड़ा सा सॉफ्ट टच पे आई मेकअप है, अभी शिमर इस पे ऐड किया नहीं है, अभी हमें बाकी है करना। अभी बेस हमने सिर्फ कैमोफ्लेज ही किया है, और लैशेज अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। शुक्र है आपने बता दिया, वरना मैं यही पूछने वाली थी, इतनी गोरी चिटी लड़की को आपने क्यों नहीं नहीं बेस अभी हमारी रहती है, बेस अभी नहीं बना दी, बिल्कुल नहीं आपने, अभी जस्ट आईज कंसील हुआ है, और आईज का भी सॉफ्ट हुआ है, और लाइनर एप्लीकेशन हुई है, इतना ही शिमर रहेगा इसमें, मजीद कुछ नहीं? नहीं, अभी शिमर और ग्लिटर तो ऐड होना है, अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी नहीं हुआ है आज, मतलब परी बनाने के चक्कर में आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भी वलीमा का मेकअप जो होता है वो थोड़ा लाइट होता है, और खिला खिला सा होता है, वो दबा दबा सा नहीं होता है ना? बिल्कुल। और एक्चुअली वलीमे की ब्राइड पे एक तो पहले ही ज्यादा ही नूर आ जाता है आफ्टर, मतलब बारात की ब्राइड से कंपेयर अगर हम वलीमे की करें तो वलीमे की ब्राइड ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा बोलती भी है, बात भी करती है, तो वो हंसती भी है, स्माइल, हाँ, तो वो थोड़ा सा वो होती है बिल्कुल, तो इसलिए उसमें पर जब हम थोड़ा सा शिमर और थोड़ा सा ग्लिटर्स ऐड कर देते हैं तो वो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। वाह, ये बड़ी पते की बात की, ऐसे में क्या है कि दूसरे दिन दुल्हन बड़ी खुश होती है, वो ससुराल वाले मिल जाते हैं, फिर एक अच्छी कंपनी हो जाती है जी, और सब ख्याल भी रख रहे होते हैं, हाँ, और ट्रीट भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे वाकई महारानी है, और होती भी है ना, बार लग पता चलता है। बहरहाल आप कंप्लीट कीजिए, देन हाँ। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि मजीद क्या टिप्स आप देना चाहेंगे। और कलर्स बड़े लाइट होते हैं वलीमे के ना? हाँ, कलर्स अगर आप लाइट रखेंगे तो उस पर आप मेकअप को थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं शिमर। अगर आपने कलर ही, जैसे बारात में हमने रेड था, हमारा ड्रेस जो था डार्क था,
उस पर हम सॉफ्ट मेकअप किया। okay. आज हमारा ड्रेस सॉफ्ट कलर पे है तो इस पर हम थोड़ा शिमर कर सकते हैं, अगर ड्रेस डार्क हो जाएगा तो फिर हम शिमर और ये सब करेंगे। वो फिर वो हम बचपन में गोला गंडा खाते थे ना, ये वही वाला लुक आ जाता है। हाँ, मैंने काफी दुल्हनों को ऐसे देखा अभी भी। हाँ। फरीन से कम बात करें, उसका गला बैठ गया है वैसे बात चले फरीन अभी कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, होता है, बेस वाली आवाज आ रही है, आप शायरी पढ़ना शुरू कर दें। सो फरीन से पूछ लें, वैसे मॉडल ने जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी इरहास का वेयर किया हुआ है और ये वलीमे का ड्रेस है ना जी। ओके सो फरहीन आंखें, हाँ आई मेकअप कंप्लीट है हमारा और कंटूरिंग भी हो गई है, बस थोड़ा सा ब्लश और लिपस्टिक रहती है, बाकी हमारा कंप्लीट है। इनकी आंखें देखकर ना मुझे वो गाना याद आ गया, आंखों की गुस्ताखी हम और मुझे वो याद आ गया, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें। वाह क्या कहने में, सबसे ज्यादा जो सॉन्ग्स बने ना मेरे ख्याल से वो आंखों पर बने, क्योंकि आंखें बड़ी कमाल की होती है, जब इतना अच्छा मेकअप कर लिया जाए तो और खूबसूरत हो जाती है। अच्छा इसमें दो कलर्स हैं, एक मुझे हल्का सा कॉपर टाइप का दिखा और गोल्डन जी है ना, सो शिमर भी आपने वही यूज किया है, तकरीबन मेकअप हो गया। हाँ बस लिपस्टिक और ब्लश है। ओके लिपस्टिक का कलर कौन सा आप यूज करना चाहेंगे? लिपस्टिक भी हम ये जो ड्रेस का कलर है ना पीच में, पीची पीची ओके, और ब्लश मॉडल भी इतनी प्यारी है, फिर जोड़ा इतना अच्छा, उसके बाद फिर मेकअप इतना अच्छा, पहिरियों इहो ट्रेंड हूंदो हुयो त जहिड़ो रंग तव्हां पातो आहे जोड़े जो ओड़ियूं तव्हांजूं आईज़ हूंदियूं ऐं तकरीबन उन सां ई मिलंदड़ जुलंदड़ कलर्स हूंदा हुया, पर हाणे छा आहे त थोरो आउट ट्रेंड उन में बि अची वियो आहे त को फ़र्क़ु न आहे तव्हां ग्रीन पातो आहे तव्हां कोपर आईज़ ठाहे सघो था, पर यानी कि उहो कलर्स जी फैमिली हूंदी आहे जेका तव्हांखे सही मुंतखिब करणी हूंदी आहे, जेकॾहिं तव्हां सही चूज़ नथा कयो तो फिर वो गुला गंडा न, पर आऊं आणे दिसा तो वगो बुने कलर जो आ, तो वरी जुती बुने कलर जी आ, कॉम्बिनेशन लिपस्टिक बुने कलर जी आ, अखियों बुने कलर जो, वार बुने कलर जा, सब कुछ माने मेच मेच आए। बिल्कुल हां सही छ, पर हाणे इहो कैद ना ही रहयो त हाणे ता जोड़े जड़ो मेकअप कयो, हाणे ता थोड़ो अलग बनी सको, जैसे आपने ब्लू आईलाइनर एक्वा ब्लू जी बिल्कुल एक्वा ब्लू, ये आजकल बहुत ही ज्यादा इन कलर चल रहा है आईज पर, आपने ये लगाया जी, ग्रीन जी, ग्रीन ब्लू ये बहुत ज्यादा चल रहा है और महंगे भी बड़े मिल रहे हैं। क्या है ना कि जो चीजें इन होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आवाजन जी, सो हिकड़ो आवाज अञा रहिजे तो सजा चाहिंदा सी तो उन की वेसा बुधी बठो। सो बिल्कुल आउ त यकु ता के चवा बे पर आने ता गाने में ठीक से जने जी, माही आवे सोने आवे, माही आवे सोने, माही आवे सोने, दिल नयो लगना, माही आवे सोने, माही आवे सोने, दिल नयो लगना, मौसम मौसम तेरी चाहत का संदेशा है, आहट आहट तेरे आने का अंदेशा है, हर खुशबू से आती है अब तेरी ही खुशबू, मंदर मंदर आलम आलम मेरी नगर बस तू, तेरे बिन सुना सुना लगता है मुझको तो जाने सारा जहां, तुझसे हंसी है सपनों की महफिल तुझ में बसी है, जा माही आवे सोने, माही आवे दिल नयो लगना, माही आवे सोने, माही आवे सोने, दिल नयो लगना, आती जाती सांसों में है दर्द बड़ी हलचल, कांटे से नहीं कटता है तन्हाई का पल, पागल पागल रहती है मेरी तो हर धड़कन, बस तेरे दीदार का छाया मुझ पे पागल पर, सुन ले सताए मुझे देखूं मैं झलक तेरी अब मेरे सामने आ, मुझको कसम तेरी कहे बेकरारी मेरी चुप चुप के ना तड़पा, माही आवे सोने, माही आवे सोने, दिल नयो लगना, माही आवे सोने, माही आवे सोने, दिल नयो लगना।
देखो और बड़ा लाइफ के हिसाब से बड़ा ही मुश्किल अटेम्प्ट था लेकिन बहरहाल अच्छा निभा लिया आपने, क्योंकि कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कि लाइव के लिए तकरीबन कुआर जो लुक भी रेडी है, बस थोड़ो अन्या कम बाकी है। सो कुआर मन तैयार थे त कने कने जल्दी में तैयार थी वने कने कने वो वड वर्षो लगी तो सही। अरे आसिम माइक पकड़ ले तो जी, कुछ सुना ले आप सभी। वो सुना रहे थे कोई आंखों पे, तो मैंने कहा मैं भी कुछ सुना देता हूं। अरे क्या बात, थोड़ा सा सिर्फ गुनगुना रहा हूं। क्या बात है, हो जाए। सोचता हूं के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम, ताकि पूरा लुक दिखाया जा सके, एक तो खूबसूरत जोड़ा। कोई बात नहीं, ये होते रहते हैं काम। जी आगे आ जाए, आप भी आ जाए जिसने इतनी सारी मेहनत की है। माशाल्लाह। सो कुछ बजा दें, म्यूजिक बजा दें इमरान भाई। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूब माशाल्लाह। एक तो जोड़ा बड़ा ही नफीस किस्म का काम किया भाई, लेकिन नफीस कम थलाए आई उन का वेरी मेकअप जल्दी में थवा। हां सो मेकअप ड्रेस आए तेड़ो हार आए तेड़ा जकिन से ये कन जो वालियों चे जनी सा चे जनी ता पाजी बोली पारम गयो सेट आहे आई बाकायदा नते झुमका वगैरह सब कुछ आहे। सो तमाम घणा खूबसूरत पे लगन आई ज्वेलरी भी तमाम खूबसूरत आहे, जोड़ो भी तमाम खूबसूरत आहे, मेकअप तमाशाला कमाल आहे। बाहुंठो जेके सिंधी में चवंदा आहे, बाहुंठो। हां बाहुंठो, हां बाहुंठो। सो ये इंशा सैलून की तरफ से मेकअप किया गया है इनको, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है ये वली मेकअप लुक। जी राइट, थैंक यू सो मच। आप वापस अपनी जगह पर जाके बैठ सकती हैं। इंशा सैलून याद रखिएगा, बल्कि मुझे कल पता चला कि कस्टमर्स काफी आए भी थे सलाम सिंह के रेफरेंस से। बल्कि थोड़ी सी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने 25% डिस्काउंट दिया था, लेकिन एक्चुअली मैंने मेकअप पे दिया था और मुझे रिबॉन्डिंग पे रहना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये था कि आपके सेन टीवी के रेफरेंस से आए थे तो मुझे करना पड़ा। चले बहुत खूब तालियां होनी चाहिए कि व्यूवर्स ने माशाल्लाह विजिट किया। सो फरहीन आपका बहुत शुक्रिया, सुम्बुल आपका बहुत शुक्रिया, जुनेद थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। सोचता हूं के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। एक मैक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, एक मैक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई, कोई पूछे के हम
आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए है, ओ हो हो ओ हो हो, वो हवा हो गए देखते देखते, अलविदा हो गए देखते देखते, अपना हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जीने मरने की हम ते वजह और हमी, जीने मरने की हम ते वजह और हमी, बेवजह हो गए देखते देखते, सोचता हूँ सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए।